आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है क्रिस्टल बॉल। एक बार एक छोटा सा लड़का विनय अपने बगीचे में खेल रहा होता है। उसे अपने बगीचे में बरगद के पेड़ के पीछे एक बॉल मिली। पेड़ ने उससे कहा कि यह एक क्रिस्टल बॉल है जो कि उसकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। ये सुनकर विनय बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सोचा लेकिन उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिसे कि वह उस बॉल से मांग सके। इसलिए उसने बॉल को अपने बैग में रखा और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह अपनी इच्छा का फैसला नहीं कर लेता। ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वह आखिर उस बॉल से क्या मांगे। एक दिन उसका दोस्त उसे उस बॉल के साथ देख लेता है और बॉल चुराकर गांव वालों को दिखा देता है। उन सभी ने अपने लिए महल, धन और बहुत सारा सोना मांगा लेकिन उस बॉल से सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती थी। अंत में हर कोई नाराज था क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाया। वे सब बहुत दुखी हुए और उन्होंने विनय से मदद मांगने का फैसला किया। उनकी बातें सुनकर विनय ने एक इच्छा मांगनी चाही। विनय ने इच्छा मांगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इससे पहले जो सभी गांव वालों ने अपने लालच को पूरा करने की कोशिश की थी उन सभी की चीजें गायब हो गई। यानी कि उनके द्वारा मांगी गई महल, सोना, धन सब गायब हो गया और गांव वाले एक बार फिर खुश और संतुष्ट हो गए। अंत में सभी ने विनय को उसकी सूझबूझ के लिए धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पैसा और दौलत हमेशा खुशी नहीं लाते।